आयत है ये, सर उठा के मैंने कितनी ख्वाहिशें की तुझे पाने की, तुझे जानने की, तुझे पहचानने की, तुझे अनुभव करने की, कितना खोजा सर उठा के तुझे लेकिन नहीं पाया। सर उठा के मैंने कितनी ख्वाहिशें की लेकिन सर झुका के मैंने एक पल भी क्या नहीं। समर्पण की कला सिखाती है यह आयत या प्रेयर। किसी भी धर्म से बात उठे पर बात ऐसे ही उठेगी। हम समझने में चूके लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है वो यही कहेंगे, सर उठा के तुम ढूंढना चाहोगे उस आकाश में, इस ईश्वर को ढूंढना चाहोगे, कभी ना होगा। लेकिन जरा किसी ईश्वर तुल्य के आगे सर झुका दिया तो झुकते ही एक पल में मैंने क्या न पाया उसको मैं कभी बता नहीं सकता। इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू पीपल आर बिकमिंग वंडरफुल। तुम्हारी यूथ की भक्ति टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी सॉलिड और काफ़ी ग्रेसफुल होती जा रही है। थैंक यू ऑल, थैंक यू। इन सरेंडरशिप लाइज ऑल द आंसर। दरारें दरारें थी माथे पे मौला, दरारें दरारें, मरम्मत मुकद्दर की कर दी मेरे मुँह, क्या मरम्मत करी। दरारे का मतलब समझते हो, कितनी टेंशन थी, कितनी कन्फ्यूजन्स थी, हर मोमेंट पर कितनी इनडिसिसिवनेस थी, लेकिन जहाँ मैंने सिर झुकाया मरम्मत मुकद्दर की कर दी मेरे मौला। कहने को तो कहते हो पिक्चर का सॉन्ग है लेकिन किसी डिवोशनल इमोशनल भक्ति से कम नहीं है ये। अद्भुत है इसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर, और जिसने भी लिखा है उसने ज़रूर कहीं हायर के एक्सपीरियंस को समझकर उसके बाद इन शब्दों में से सजाया है। डेफिनेटली अद्भुत। इसके अंदर है एक द प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर, लास्ट वन, द 14th वन, द प्योरर सटलर एनर्जीज ऑफ हायर सराउंड्स ओनली आफ्टर सरेंडरिंग। ये जो समर्पण, सरेंडरशिप, इसकी जो बात हो रही है, जो हायर है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको समझने के लिए ये सेशंस एनफ है। हायर को समझने के लिए, जिंदगी में क्या करना है उसको समझने के लिए सेशंस एनफ है। गुड, मोर देन एनफ, डोंट यू थिंक सो? लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उस प्योरर सटलर उस डायमेंशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, इट कैनॉट हैपन विदाउट योर सरेंडरशिप। कहीं एक बार झुकना पड़ेगा और हमारा अहंकार हमें झुकने ही तो नहीं देता। बस झुकने की क्या जरूरत है, समझ लिया, वोंट थिंग्स हैपन ऑन देयर ओन? नो, इट डजंट वर्क दैट वे। तुम्हें तुम्हारी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को भी ग्रो कराना है तो उसके लिए भी सरेंडरशिप इज द की। बिना उसके ये होता नहीं है। कल से आज तक के सेशन में हम बहुत बातें कर चुके हैं और बार बार दोहरा भी चुके हैं। अवनी तो परेशान हो गई थी आज आई मेरे पास एंड शी वॉज टेलिंग मी कि बेन प्रभु, हम लोग जो लिस्ट बनाकर लाए थे क्वेश्चंस का, मोर देन 80 क्वेश्चंस वर ऑन देयर पैलेट, 80 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे कहते हैं, लेकिन आपने लगभग सबका आंसर कहीं ना कहीं से दे दिया। ज़्यादा खुशी मुझे ये बात सुनकर हुई जब उस लड़की ने मुझे ये कहा कि प्रभु, जब रिफ्लेक्ट किया तो यही पता चला कि ये सारे आंसर्स आप हमें हर शिविर में और इनफैक्ट हर सत्संग में देते हो, बस हम उसको फॉलोअप में नहीं रखते। और शायद आज उसको ये समझ में आया, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक लेकर आई थी ना, इसलिए उसको समझ में आया कि जितने क्वेश्चंस मेरे अंदर से आए थे मैंने उसका क्वेश्चन शीट नहीं पढ़ा, लेकिन इसको पता चला जितने क्वेश्चंस हम जैसों के अंदर उठते हैं इसके आंसर तो प्रभु हमें पहले ही दे चुके होते हैं, बट यू डोंट वैल्यू दोज आंसर्स बिकॉज यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एनफ इन अप्लाइंग दोज टीचिंग्स।
और इसीलिए तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। अभी दो दिन में कैसा तुम्हें क्लियर हो गया? अवनी माधव तुम्हारा भी यही हाल है, तुम भी परेशान हो, दोबारा पढ़ेंगे फ्रेम। कोई बात नहीं, तुम लोग अगर गिव अप करते हो तो आई एम मोर देन हैप्पी, आई विल गेट वन मोर सेशन। बहुत बातें कर चुके, बहुत बार रिपीट कर चुके, और नॉर्मली मुझे एक बात को 10 बार कहने की आदत है, एंड यू मोस्ट ऑफ यू नो व्हाई आई डू सो। तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम मैं क्यों एक की एक बात 10 बार करती हूँ? जो लोग नए आए हैं उन्हें लगेगा अरे यही तो बोला था कल, आज भी यही बोल रहे हैं। 10 बार ऑन एन एवरेज मैं कोई भी इम्पॉर्टेंट बात जो होगी उसे कहीं ना कहीं से 10 बार लिंक करूँगी। जो नए लोग आए उन्हें लगेगा क्यों ऐसा करते हैं, फ्रेया को लगेगा अरे एक बार में हम समझ तो गए, वाई शी इज़ रिपीटिंग द सेम थिंग, और तुम तो नोट भी इतना कर रही हो, मुझे लगता है यू आर नोटिंग सो मच, इज इट, इतना सारा लिख रही हो, तो तुम्हें लगेगा अरे यही बात इस सेशन में भी बोली, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो आई टेल यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई एम इन द हैबिट ऑफ सेइंग द सेम थिंग एटलीस्ट फॉर 10 times। और तुम थोड़ा रिलेट करोगे, ये हम लोगों के DNA में है, वो रिलेट कर पा रही है थोड़ा थोड़ा। वैसे मैं क्यों करती हूँ, तुम्हारे पापा क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं क्यों करती हूँ इसका रीज़न मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि 10 के अंदर 7 बार तक तो तुम्हें ये लगता है ये बात किसी और के लिए कही जा रही है। 10 के अंदर से 7 बार तक तो तुम्हें यही लगता है ये दिस डजंट सूट ऑन मी, दिस डजंट अप्लाई ऑन मी, ये किसी और के लिए, ये अवनी को समझाने के लिए बोल रही है, ये पूजा को समझाने के लिए बोल रही है, तुम लोगों को यही लगता है। 8वीं बार तक तुम जाग जाते हो और तुम्हें लगता है ओ नो समवेयर इट इज फॉर मी ऑल्सो, और 9वीं बार जब मैं बोलती हूँ तब तुम्हें लगता है कि अरे अब करना क्या है, क्योंकि जब तक दूसरे के लिए थी ये बात तब तक तुम्हें क्या चिंता थी, करना क्या है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10वीं बार तक आते आते तुम समझ पाते हो ओके फाइनली आई हैव टू स्टार्ट माई जर्नी ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम दिस पॉइंट। और लोगों ने मुझे पूछा कि बेन प्रभु 10 बार आपके दोहराने पर भी वो नहीं समझते, तो मैंने कहा तो मैं समझ जाती हूँ कि वो लोग अब नहीं समझेंगे, मेरे से तो नहीं समझेंगे, बट आई टेक अ चांस। कम से कम 7 बार तक तो तुम्हें यही लगता होगा ना कि दूसरों के लिए बात हो रही है, भगवान महावीर ने कैसे इटर्नल और इनफाइनाइट हैप्पीनेस पाई उसकी बात चल रही है, तुम्हें यही लगता होगा। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम कैसे पा सकते हैं दैट इटर्नल इनफाइनाइट हैप्पीनेस? नो, 6-7 बार के बाद तुम्हें अब यकीन होने लगा हमारे लिए बात हो रही है, हम पा सकते हैं, तुम्हारे भीतर पा सकते हो, पाने का पर्पस क्लियर है, वाई, बिकॉज वट यू गेट यू वॉन्ट टू गिव, यू वॉन्ट टू स्प्रेड, यू वॉन्ट टू कम्पैशनेटली गिव इट टू अदर्स। और इसके लिए तुम्हें काम कहाँ करना है सारा? इंटेलेक्चुअल शीत के ऊपर। अभी तुम्हें कहा कर्मों की क्लिंजिंग करना शुरू करो, फ्रॉम थैंक यू टू सॉरी द एंटायर जर्नी वाइप आउट। तुम्हारी डायरीज में तो लिखी हुई है कि नहीं, द कर्मा क्लिंजिंग द एंटायर जर्नी इट बिगिंस विद अ थैंक यू, यानी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस, एंड इट एंड्स विद सॉरी, सीकिंग फॉरगिवनेस और गिविंग फॉरगिवनेस, बोथ आर इंपॉर्टेंट। तुम फॉरगिवनेस सॉरी मांगने में तेज हो, लेकिन सॉरी किसी को फॉरगिव करने में तेज नहीं हो तो वो भी नहीं चलेगा। सो फ्रॉम थैंक यू टू सॉरी, थैंक यू टू फॉरगिवनेस, द एंटायर जर्नी कैन यू टेक अपॉन ओनली विद इन 5 steps। पहला हमने देखा ग्रेटफुलनेस, तुम लोगों ने थोड़ा बहुत टेक्स्ट वेक्स्ट किया कि नहीं? नाइस, बी ग्रेटफुल, बी एक्सप्रेसिव इन योर एक्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस। दूसरा एक्ट विथ लव, जो भी काम करो वो आउट ऑफ कंपल्शन मत करो, अब करना ही पड़ रहा है तो उसे आउट ऑफ लव करो, आउट ऑफ कंपल्शन नहीं। चेक योर मोटिव्स, तुम्हारा वाई फैक्टर हमेशा चेक करते रहो, व्हाट आई वांट, व्हाई आई वांट। काफ़ी बच्चों ने मुझे बाद में आके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे कि प्रभु हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमें हमारा वाई फैक्टर ठीक है कि नहीं, एंड देवर ऑलमोस्ट क्लियर इन देयर वाई फैक्टर। वॉच योर एटीट्यूड दैट इन योर जर्नी, कहीं तुम्हारा प्राइड, कहीं तुम्हारा ग्रीड, ये कुछ इन्फ्लेट तो नहीं हो रहा। एंड फाइनली बी फॉरगिवफुल, बी रेडी टू गिव फॉरगिवनेस, बी रेडी टू एक्सक्यूज समबडी, टू रिमूव द ग्रश, रिमूव द पास्ट बैगेजेस, एंड बी ओपन टू सीक फॉरगिवनेस, दूसरों से माफ़ी मांगने के लिए। तुम्हारी गलती हुई है तो दूसरों से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहो। और किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो अभी तो हम क्लियर हो गए किसी ने गलत क्यों किया है,
क्योंकि तुम्हारे ही कार्मिक बैगेज में था, तुम्हारे कार्मिक बैगेज में था, किसी ने निकाल के तुम्हें दिया, अब क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे बैग के अंदर हल्दीराम का भुजिया है और तुम्हारे इस बैग में से हल्दीराम का भुजिया निकाल के किसने तुम्हें ऑफर किया, तुमको क्यों तीखा तीखा भुजिया है ऑफर कर रहे हो मुझे? पर भाई तुम लाया कौन इस तीखे तीखे भुजिया को? तुम ही लाए हो, दूसरा तो खाली तुम्हारे उस कर्म को तुम तक पहुंचा रहा है। इसलिए डेवलप इनफ सेंस ऑफ फॉरगिवनेस। यहां तक हमारी बात हो गई थी, ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आई ऑलरेडी फील कि हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं। इट शुड नॉट बी ओवर योर कैपेसिटीज कि अब तुम समझ ही ना पाओ। एक बात करना चाहूँगी तुम्हारी कैपेसिटीज को एनहांस करने की, क्योंकि मैं बाहर बैठी थी तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। सिमरन आई थी, उदित जैन प्रभु आए थे, इन सब की भी बात चल रही थी, मैं सुन रही थी। उनका कहना ये हो रहा था, बेन प्रभु हम जिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं, जिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं, वह इतना फोर्स है, इतना प्रेशर है काम का, तो हम कैसे करें? होगा प्रतीक तुम्हारे साथ भी, और उनका भी, उदित प्रभु का भी कहना ये था, ही मस्ट बी वेरी गुड एट हिज वर्क। और जब कोई वेरी गुड होता है अपने वर्क के लिए तो जो सीनियर्स होते हैं वो मैक्सिमम वर्क प्रेशर उन्हीं के सिर पर डालते हैं। तुम भी प्रतीक एग्री कर रहे होगे, जब हम बहुत अच्छे होते हैं तो सीनियर सारा प्रेशर उनको पता होता है। ग्रीष्मा यू मस्ट बी आइडेंटिफाइंग विद दिस स्टेट कि जब हम लोग किसी चीज में, कुछ काम में हम लोग अच्छे होते हैं तो क्या होता है, हमारे सीनियर्स भी हमारे सिर पर ही काम डालना चाहते हैं। तो उनका प्रश्न ये था कि हम कैसे कोप अप करें इस प्रेशर के साथ, इस स्ट्रेस के साथ। तुम्हारा भी है ये प्रश्न, एवरीबडीज क्वेश्चन। चाहे तुम स्टडीज के इस फील्ड में हो तो आज की डेट में तुम कृति प्रभु से पूछो, या एक और बच्चा है यहाँ पर ट्वेल्थ का एग्जाम के बीच में आया है, जो ये बच्चे ट्वेल्थ के एग्जाम के बीच में है, तुम भी ट्वेल्थ के कॉमर्स स्ट्रीम में, वही यानी कौन सा देकर आए हो, अकाउंट्स देकर आए और इकोनॉमिक्स स्पेंडिंग, और भी है कोई ऐसे नमूने जो एग्जाम के बीच में आ गए, बट नमूने ही हो सच में। हाँ, कि तुम लोग एग्जाम्स के बीच में भी योर विल इज सो स्ट्रांग कि तुम लोग आ सकते हो, तो तब तुम्हें भी स्ट्रेस तो फील होता ही है ना। हाउ टू हैंडल दिस प्रेशर, हाउ टू हैंडल दिस स्ट्रेस? द वर्ल्ड अराउंड यू इज सो मच फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, इतना सारा कॉम्पिटिशन है, इतना सारा प्रेशर है, इतना पीयर प्रेशर है, नई टर्म तुम्हारे टाइम में इंट्रोड्यूस हुई है, इतना स्ट्रेस है। हमारे टाइम तक तो स्ट्रेस वर्ड को हम हुक्स लॉ के साथ रिलेट करते थे, उसी के अंदर पढ़ा था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, एक उसकी लिमिट आ जाती है, उसके बाद द प्रिंसिपल डजंट होल्ड ट्रू, ऐसा कुछ पढ़ा था। लेकिन ये ब्रेन के अंदर भी तुम लोगों को अब स्ट्रेस की बीमारी हो रही है, ये हमें तो वो किसके मेटल के ऊपर सिखाया था, मेटल के ऊपर, अभी तुम्हारी खोपड़ी भी सबकी मेटल जैसी हो गई है, इसलिए इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड यू पीपल जस्ट रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दैट स्ट्रेस। सबसे पहले तो ये समझो वॉट इज प्रेशर। प्रेशर इसकी सिंपली डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन, फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मैं भी पढ़ी हूँ 7वीं 8वीं में, अच्छे से याद है मुझे, फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी एक इतने एरिया में जितना फोर्स लगाया जा रहा है उसी को प्रेशर कहा जाता है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, तुम्हारी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, या तो जो फोर्स एक्सटर्नल वर्ल्ड तुम्हें दे रहा है उसको हटा दो, पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड फोर्स दे रहा है वो तो तुम ये जॉब छोड़ के जाओगे तो दूसरी जॉब में देगा, ये पढ़ाई छोड़ के जाओगे तो दूसरी पढ़ाई में देगा। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल वर्ल्ड जिस तरह से कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है तो ये फोर्सेस तो तुम पर आने ही वाले हैं। या तो तुम जाके जंगल में बैठ जाओ, वहां पे कोई फोर्स नहीं करने वाला, लेकिन जब तक तुम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हो फोर्सेस ऑफ प्रेशर दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। अब बाय लॉ हमने देखा कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया, एंड समहाउ आई रिमेंबर द फॉर्मूला ऑल्सो कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। मैं अवनीश से वापस रिकन्फर्म करती हूँ, किसी और किसी पे तो मुझे भरोसा नहीं है। पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो दो प्रेशर इसका मतलब, चलो मैं थोड़ा तुम्हें साइंटिफिक वे से इसको समझा भी दूं। प्रेशर जो आजकल आप सभी के लिए बहुत कॉमन वर्ड है,
इसको आप लोग फील करते हैं, लेकिन हमारे को मिला है इसका इक्वेशन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से. डू यू अंडरस्टैंड दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन? यानी तुम फोर्स कम कर दो, प्रेशर कम हो जाएगा. फोर्स बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है. फोर्स कम होता है, प्रेशर कम होता है. दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन. और इनवर्स रिलेशन क्या होता है? प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि एरिया कम है, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा. ये फोर्स तुम्हें कौन दे रहा है? तुम्हारा एक्सटर्नल वर्ल्ड. और ये फोर्स दिया कौन से एरिया पे जा रहा है? तुम्हारे माइंड के ऊपर, तुम्हारे माइंड, तुम्हारे इंटेलेक्ट, दैट इज द फैकल्टी ऑफ योर ब्रेन, दैट्स ऑल. तुम्हारे ब्रेन के ऊपर ये प्रेशर दिया जा रहा है. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. या तो तुम उस फोर्स को कम कर दो, जो पॉसिबल नहीं है. तुम एक जॉब क्विट करके दूसरी जॉब में जाओगे, वहां भी किसी और टाइप का प्रेशर होगा, इजंट इट? किसी और तरह का फोर्स तुम्हारे ऊपर एग्जर्ट किया जाएगा, किसी और तरह का मॉनेटरी फोर्स हो सकता है, पॉलिटिकल फोर्सेस हो सकते हैं. सिमरन मुझे कह रही थी, कहाँ है सिमरन, कि मेरी ऑफिस में काम का प्रेशर नहीं है. वैसे भी वो एक घंटा सोती है ऑफिस में. तो मैंने कहा, मैं वैसे ही समझ गई कि तुम्हारी ऑफिस में काम का प्रेशर नहीं होगा, लेकिन कहती है मेरी ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स है, तो मैं उसके साथ हैंडल नहीं कर पाती. मैंने कहा, सी द सिचुएशन इज सेम एवरीवेयर. तुम ये ऑफिस छोड़ के जाओगी, दूसरी ऑफिस के अंदर भी उसी तरह से पॉलिटिक्स होगी, कोई ना कोई प्रेशर होगा, फोर्स होगा. व्हाट इज द चॉइस रिमेनिंग विद यू? तुम अपने एरिया, ब्रेन के एरिया को, इंटेलेक्चुअल एरिया को, मेंटल एरिया को एक्सपैंड करो. जैसे जैसे तुम्हारा इंटेलेक्चुअल एरिया, ब्रेन का एरिया एक्सपैंड होगा, यू गेट द एबिलिटी टू हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर कमिंग इन योर हेड्स. डू यू अंडरस्टैंड? तुम एरिया को बढ़ा दोगे. इस टेबल के ऊपर मैं 10 चीजें रखती हूं, इसके ऊपर प्रेशर आएगा, इजंट इट? लेकिन इसका प्रेशर घटाने का क्या ढंग है? या तो मैं चीजें कम कर दूं तो प्रेशर घटे, अब वो पॉसिबल नहीं है. तो मैं क्या कर सकती हूं? इसका सरफेस एरिया बढ़ा दूं. जैसे ही मैं इसका एरिया बढ़ाऊंगी, अपने आप द प्रेशर एग्जर्टेड, द फोर्स एग्जर्टेड ऑन दिस एरिया, ऑन दिस स्पेस, इट आपो आप वो कम हो जाता है. सत्संग, मेडिटेशंस, चैंटिंग, देववंदन, भक्ति, ये सारे इतने इंटेलेक्चुअल टॉक्स, ये डिवोशन, ये सरेंडरशिप, यही काम करती है कि तुम्हारे इस एरिया को बढ़ाती है. यू कैन नॉट रिड्यूस द फोर्स. इनफैक्ट जिस तरह से दुनिया आगे भाग रही है, प्रोग्रेस कर रही है, ये फोर्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड जो तुम्हें फोर्स दे रहा है, वो खत्म होने ही नहीं वाला. लेकिन क्या पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास, कौन सी पॉसिबिलिटी है? यू एक्सपैंड द एरिया. तुम जैसे जैसे इस एरिया को बढ़ाते जाओगे, तुम्हारा जैसे जैसे ब्रेन की बैंडविड्थ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे तुम्हारी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बढ़ती जाएगी, यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द पॉलिटिक्स इन योर ऑफिस. यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द वर्क फोर्स विच इज बींग लेड अपॉन यू वेरी इजिली, वेरी कामली. आज हम आप जितना काम करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा, आपसे जो 10 गुनी ज़्यादा बड़ी कंपनी में काम करते होंगे, उनके यहाँ होगा, ब्रेन फट नहीं जाता. होता क्या है, उनके ब्रेन की एबिलिटीज़ को वो धीरे धीरे एक्सपैंड करते. ऑल दो पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सपैंड, इसलिए कॉरपोरेट वर्ड्स में भी हम लोगों को बुलाया जाता है, प्रभु मेडिटेशन कराइए, प्रभु आके थोड़ा ऐसा कराइए, वैसा कराइए, कुछ ऐसी मोटिवेशनल क्लासेस लीजिए. और मैं स्कूल्स तक तो गई भी हूँ, क्योंकि बच्चों के अंदर इतना सारा स्टडीज़ का प्रेशर था, तो हम लोगों ने काफ़ी स्कूल्स में भी अपने प्रोग्राम्स किए हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके एरियाज़ को बढ़ाने के लिए, अभी भी करते हैं. लेकिन द बेसिक थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि प्रेशर तुम्हारे ज़िंदगी में, स्ट्रेस इतना फील क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स ज़्यादा है. आई डू एग्री, फोर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज टू मच. आई कंप्लीटली एग्री विद यू पीपल. आप उस फोर्स को नहीं कम कर पाओगे. वॉट हैपन्स आउटसाइड यू, यू कैनॉट हैंडल इट, यू कैनॉट चैलेंज इट, यू कैनॉट चेंज इट. तो वॉट हैपन्स विद इन यू, वॉट इज विद इन यू, तुम उसको तो चेंज कर सकते हो, तुम उसको तो चैलेंज कर सकते हो. और तुम्हारे भीतर क्या है? तुम्हारी मेंटल बैंडविड्थ. जैसे जैसे आप इन सत्संग में आओगे,
आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, मेंटल कैपेसिटी, कुछ नहीं तो फिजिकल कैपेसिटी तो बढ़ी रही है तुम्हारी बैठने की। इतने इतने घंटे नीचे चौकड़ी मारकर कभी बैठे हो? एक एक दिन में ऑलमोस्ट तुम लोग 8-8 घंटे बैठने जा रहे हो, 8-8 घंटे नहीं बैठे, तुम्हारी ये एटलीस्ट फिजिकल कैपेसिटी बढ़ी। धीरे धीरे जो तुम सुन रहे हो उसको अप्लाई कर रहे हो इन टीचिंग्स को, तो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका ब्रेन एक्सपैंड होगा, नॉट फ्रॉम हेयर, इट्स एन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यहाँ जैसे जैसे थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग क्लियर टू यू, वैसे वैसे बाहर के दुनिया से कितना भी प्रेशर आए, स्ट्रेस आए, पॉलिटिक्स आए, डिफरेंसेस आए, कन्फ्यूजन्स की स्टेट आए, योर ब्रेन इज रेडी टू हैंडल ऑल दोस थिंग्स। डू यू एग्री? डू यू अंडरस्टैंड? उसके लिए करना क्या है, करना क्या है, बता ही रही हूं वही सब। क्या करना है, क्या क्या करना है, लिस्ट ऑफ थिंग्स, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, कमिंग टू सत्संग, सरेंडरशिप, डिवोशन, लर्निंग थ्रू दीज सत्संग्स, चैंटिंग, मेडिटेशन, काफी कुछ है, उसी को हम सम डाउन करते हैं चलो तीन कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इतनी सारी बातें तुम्हें याद नहीं रहेगी, तो लेट मी कैटेगराइज इन थ्री थिंग्स। ओके, रेडी हो? बस आज इतना ही, आज ज़्यादा नहीं, ये तीन बातों के बाद ओवर। उसके बाद तुम लोग जिस चीज़ के लिए इतने मचल रहे हो, तुम लोग इतने एक्साइटेड हो, उसके बाद हम वो शुरू करते हैं। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लंबे लंबे जब सत्संग चले हैं, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कम भी चल सकता है, एनीथिंग कैन हैपन हियर। बाय द वे, तालियां तुमने बजाई क्यों? इतने खुश हो कि ये तालियां बजाई क्यों? सो ये सेशन छोटा होने वाला इसलिए? ओके, यू आर एंजॉयिंग दिस अनसर्टेनिटीज, शायद तुमने इसलिए तालियां बजाई। जिंदगी में अनसर्टेनिटी को जो इंसान एंजॉय नहीं करेगा ना, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। Enjoy these uncertainties. कभी लंबा सेशन 45 मिनट्स का बोल के 1.5 आवर, कभी 1 आवर का बोल के 1.5 आवर, और कभी 1 आवर एंड 15 मिनट्स का ड्यूरेशन अभी जस्टिफाइड रूप से मेरे पास है, लेकिन 30 मिनट्स के अंदर उसको कंप्लीट कर गया। एवरीथिंग इज सो अनसर्टेन। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। तो तुम चाहते हो कि ये तीन पॉइंट्स अभी ना डिस्कस करें, बाद में करेंगे, हम टैलेंट अनकवर की तरफ चल पड़े? नहीं नहीं, पहले ये करो, सो सिंसियर पीपल। चलो, कौन वॉलंटियर करना चाहता है लिखने के लिए? ओके, कम कम। अब हम बात करेंगे थोड़ी देर, बस 10 मिनट के अंदर अंदर इंटेलेक्चुअल शीथ को कैसे डेवलप करना है। कार्मिक क्लिंजिंग होती है, उससे भी तुम्हारी इंटेलेक्चुअल शीथ डेवलप होती है, मेक श्योर कार्मिक क्लिंजिंग। लेकिन और दूसरे ढंग से बात करें तो मैंने तीन बातें अपनी डायरी में सम डाउन की है। आध्यात्मिक यात्रा में हृदय की बहुत जरूरत है, हार्ट। एंड व्हेन वी स्पीक दिस टर्म हार्ट, HEART, इट डजंट सिग्निफाई दिस बायोलॉजिकल हार्ट। तुम सबको पता है, मैंने कई बार ये बात की है, आध्यात्मिक यात्रा में हम हृदय की बहुत बार बात करेंगे, करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं हृदय शब्द बोलूं, मेक श्योर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बायोलॉजिकल हार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंटेलेक्चुअल हार्ट। एंड व्हाट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग दैट इंटेलेक्चुअल हार्ट, तुम्हें मालूम ही होगा, जब भी हम किसी कृत्य को, किसी भी कर्म को अनकंडीशनली करते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो हमारा इंटेलेक्चुअल हार्ट डेवलप होने लगता है। कितनी बार हमने सुना होगा कि हृदय के अंदर भगवान आकर बिराजते हैं। कौन से हृदय में? इसमें। अगर इस हृदय में भगवान क्या, कोई एक छोटी सी रजकण भी घुस जाए ना, तो भी तुम्हें ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो इतना बड़ा विराट अस्तित्व आकर तुम्हारे इस हार्ट के अंदर घुसेगा, तो तुम्हें कहाँ डालना पड़ेगा पता नहीं। सो व्हेन दे टॉक अबाउट हार्ट इन दिस आध्यात्मिक यात्रा, इस आध्यात्मिक यात्रा पे जब भी हृदय की बात होती है, तो इस बायोलॉजिकल हृदय की बात नहीं होती, इंटेलेक्चुअल हृदय की बात होती है। और इंटेलेक्चुअल हृदय कैसे बनता है? फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू ऑन दिस जर्नी टू डेवलप योर इंटेलेक्चुअल शीथ, हाउ टू डेवलप इंटेलेक्चुअल शीथ, पहले तो ये लिख दो।
हाउ टू डेवलप इंटेलेक्चुअल शीथ, इंटेलेक्चुअल शीथ को कैसे विकसित करें. यू कांट वेट फॉर अ स्लो इवोल्यूशन, नहीं राह देख सकते, धीरे धीरे होगा, कभी नहीं होता. अगर धीरे धीरे होना होता तो अब तक हो गया होता तुम्हारा. धीरे 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 करके इतने 4.7 बिलियन ईयर से भटक ही तो रही हो तुम्हारी आत्मा. वो फिलौरी तो 100 साल से भटक रही थी खाली, तुम्हारी आत्मा है तो 4.7 बिलियन ईयर से भटक रही है. तो ये इतनी जो भटक रही है, ये अपने आप कुछ भी नहीं होता. यहाँ तुम मर जाओ और सारा तुम्हारा ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता. यू कीप ऑन कैरी दीज बैगेजेस इन द नेक्स्ट लाइफ. तो हाउ टू डेवलप एन इंटेलेक्चुअल शीथ, SHEATH. सबसे पहला काम, क्रिएट हार्ट. और जब हम हार्ट बोलते हैं, मेक श्योर हम बायोलॉजिकल हार्ट की बात नहीं कर रहे, हम इंटेलेक्चुअल हार्ट की बात कर रहे हैं. एनी चैलेंज? तुम्हारे दिमाग भी तो ऐसे काले काले, उसी पर तो तुम लोग भी लिख रहे हो, तो ये तो फिर भी काफी व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ समझ में आ ही जाएगा. क्रिएट हार्ट कैसे क्रिएट होता है? पहले उसका सर्जन करो, बनाओ. ये हार्ट तो तुम्हें भगवान ने दिया है, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट, बनाना पड़ेगा. मेक, यू हैव टू मेक. हाउ यू कैन क्रिएट योर हार्ट? बाय डूइंग सेल्फलेस वर्क. तुम जहाँ भी रहते हो, अब उसके लिए तुम्हें मदर टेरेसा के आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है. तुम जहाँ अपने घर में रहते हो, अपने आसपास के लोगों के लिए डू द एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस. तुम कुछ भी करते हो उसके सामने, तुम्हारा यही होता है, मैं तुम्हारे लिए इतना करूंगा, तुम क्या करोगे? मैं इतना करूंगी, तुम कितना करोगे? हर किसी के लिए तुमने कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के अंदर बिजनेस को एम्प्लॉय किया ही हुआ है, isn't it? अगर नहीं बोलते तो यहाँ मेंटल कैलकुलेशन तो करते ही हो ना, कि भाई जब तुझे जरूरत थी तब तो मैंने तुझे कितनी हेल्प की, और मेरे को तेरी जरूरत है तो तू मुझे हेल्प ही करने नहीं आता. कहीं ना कहीं तुम्हारी खोपड़ी में ये चलते रहता है. तो सबसे पहले तो जो भी तुम करते हो किसी दूसरे के लिए, दिल से जो कुछ भी कर रहे हो दूसरों के लिए, ड्रॉप योर एक्सपेक्टेशंस. जितनी जितनी तुम एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप करते हो, तुम्हारी मॉम धूप से आ रही हैं, सब्जी लेकर आ रही हैं, कुछ काम निपटा कर आ रही हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफर हर अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर. बस इतना ही, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कि कल को मैं भी स्कूल से आऊंगी ना तो मेरी माँ भी देगी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी. विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जब आप दिन में 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार कोई भी कृत्य, कोई भी एक्शन करते हैं, तो व्हाट हैपन्स? योर इंटेलेक्चुअल हार्ट, विच इज इंपॉर्टेंट ऑन दिस जर्नी. इस बायोलॉजिकल हार्ट का कोई काम नहीं है, कुछ बेकार है इस जर्नी के लिए. बस वो धड़कता रहे उतना ही काम है इसका. कहीं उसने धड़कना बंद कर दिया तो समझोगे कैसे? इसलिए उसका काम इतना है. क्रिएट हार्ट, ब्रैकेट में लिख दो, बाय डूइंग सेल्फलेस एक्ट्स. तुम्हारे एक्शंस, बाय डूइंग सेल्फलेस एक्शंस, तुम्हारे एक्शंस सेल्फलेस होने चाहिए. पॉसिबल है कि नहीं? बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कर रही कि घर के बाहर लंगर लगाना शुरू कर दो और जाके किसी मंदिर में जाके सेवा करने लग जाओ, या अगले सेशन से यहाँ पर SRM के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाओ सेवा के लिए. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिग. लेकिन अपने घर से आप शुरू कर सकते हो डीड्स ऑफ सेल्फलेसनेस. जब तुम ये डीड शुरू करते हो, वहाँ से तुम्हारा स्पिरिचुअल हार्ट जो है वो क्रिएट होता है. सेकेंड, यू हैव टू डेवलप दैट हार्ट, उसका विकास करना है. क्योंकि अनंत आनंद जिसमें भरना है तो उसकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए उसको फिल करने के लिए. इतने छोटे से हार्ट में इतनी ही हैप्पीनेस आएगी. जे अब उस हार्ट को बड़ा करना है, उसे एक्सपैंड करना है, तो द सेकेंड रूल गोज लाइक दैट, डेवलप, एक्सपैंड योर हार्ट. कैसे होता है? हाउ द एक्सपेंशन अकर्स? तुम्हारे इस हार्ट में एक्सपेंशन नहीं हो सकती, फिर तो उसको सर्जरी करना पड़े हार्ट तुम्हारा बड़ा हो जाए तो. लेकिन दिस इंटेलेक्चुअल हार्ट कैन बी एक्सपेंडेड. कैसे क्रिएट? कैसे हुआ? डूइंग सेल्फलेस एक्शंस. एक्सपैंड एंड डेवलप कैसे होता है? बाय सरेंडरिंग टुवर्ड्स हायर, एनी हायर, एनी आइडल. मेक सम आइडल इन योर लाइफ, मेक सम आइडियल इन योर लाइफ, इधर इट इज आइडल और सम लिविंग मास्टर. लेकिन कोई ना कोई तुम्हारी जिंदगी में आइडियल होना चाहिए. क्यों? वहां माथा टेक कर आ सको इसलिए.
दो ऑप्शन दे रही हूँ आइडियल के लिए, मे बी इट इज आइडल, कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा, कोई मंदिर, और मे बी इट इज अ लिविंग मास्टर. सरेंडरशिप क्यों करनी है? सो दैट यू कैन लर्न द राइट फ्रॉम देम एंड गेट द एबिलिटी टू डू राइट. पहले तो उनसे लर्न करना है राइट क्या है, ये सीखना है. तुम किसी प्रतिमा के सामने भी सरेंडर होते हो, सिर झुकाते हो, माथा टेकते हो, तो अंदर उद्देश्य यही होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू लर्न वॉट इज राइट इन माई लाइफ. और प्रतिमा बोल सकती है? प्रतिमा नहीं बोल सकती. इसलिए इस पाथ पर, आध्यात्मिक जर्नी पर, हमने गुरुओं पर इतना एम्फसाइज दिया, बिकॉज यू हैव टू एक्सपैंड योर हार्ट. और उस हार्ट को एक्सपैंड करने के लिए जब तुम सरेंडर करते हो इस आशा में कि उनसे मुझे राइट बात समझना है, समझ में आ जाता है कितनी बार, लेकिन देन यू ऑल्सो वॉन्ट योर एबिलिटी कि जब भी ऐसा टाइम आए आप मुझे शक्ति देना कि जैसा मैंने सीखा है, जैसा मैंने समझा है, जैसा मैंने सुना है, ऐसा मेरा तो अपने ऊपर से बिलीफ सिस्टम हिलडुल गया है, लेकिन आई बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, यू बी माई स्ट्रेंथ, यू जस्ट बी माई स्ट्रेंथ. दो काम के लिए सरेंडरशिप होती है, लर्न द राइट फ्रॉम देम, लर्न द राइट फ्रॉम देम. और दूसरी किस लिए? व्हेन योर एबिलिटी इज फॉलिंग शॉर्ट, देन यू हैव टू बिलीव इन देयर स्ट्रेंथ. यू शुड हैव समवन इन योर लाइफ कि जिसकी स्ट्रेंथ पर तुम भरोसा कर सको कि प्रभु मेरा तो उड़ रहा है फ्यूज, लेकिन आई जस्ट बाउ डाउन इन योर फीट कि यू विल हेल्प मी, योर स्ट्रेंथ विल हेल्प मी फेस दिस सिचुएशन इन अ बेटर वे. ये सरेंडरशिप का काम है. सर झुका के मैंने एक पल में क्या नहीं पाया. समझ सब है हम में, समझ सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब करने के टाइम हमारी स्ट्रेंथ कम पड़ती है, isn't it? तब यू हैव टू बिलीव इन योर हायर जिसके आगे तुमने सरेंडर किया है कि योर स्ट्रेंथ इज गोइंग टू हेल्प मी. इस तरह से तुम्हारा हार्ट डेवलप होता है जैसे जैसे तुम सरेंडर करते हो. और जिसने भी सरेंडर किया है उसने उसका एक्सपीरियंस तो किया ही है, समवेयर और अदर दे हैव एक्सपीरियंस हाउ द ग्रेस वर्क्स फॉर देम. आज ही कोई आया था, उस लड़की के दो एग्जाम थे. हेमंत तुम्हारे साथ जो आई थी, यार सिटिंग यार, क्या नाम है तुम्हारा? युक्ति. दो उसके एग्जाम थे आने के लिए, तो ऑब्वियस है इन्हीं दिनों में दो एग्जाम, तो आने के लिए स्वाभाविक था डामाडोल होना. लेकिन उसने कहा एक पोस्टपोन हो गई और एक कैंसिल हो गई. ये प्रतीक जैसे लोग, प्रतीक मेहता, इन जैसे लोग बचपन से देखा है इन लोगों को, बचपन से, छोटे छोटे थे ना तब से शिविर में आते थे, खेलते थे, कूदते थे, ये काम. अब तो बहुत बड़े हो गए हैं. लेकिन एंड मैंने उनको बोला आई जस्ट कांट सी कि तुम लोग की शक्लें शिविर में ना हो, आई जस्ट कांट सी दैट, यू हैव टू बी देयर. तो वो तो यू आर सीए किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, ही इज समथिंग ऑन अ वेरी गुड जॉब. और 31 मार्च उनको छुट्टी मिल जाए, यू कैन अंडरस्टैंड कितना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वेन यू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ हायर, इनको यही सिखाते हैं गौतम प्रभु को. ये लोग बोलते हैं कि प्रभु हमें छुट्टी मिल ही नहीं सकती. भाई हु आर यू टू डिसाइड, यू डोंट नो द वे ऑफ इनफाइनाइट वर्किंग. उनकी वर्किंग किस तरह चल रही है तुम नहीं जानते. मैं कृति को भी कह रही थी, बच्चे एक एग्जाम तुम्हारा 29th को अकाउंट्स का और दूसरा सीधा 17 तारीख को. अगर 3 या 4 तारीख को भी होता तो तुम शायद नहीं आ पाती शिविर में. और अगर आ भी जाती, इन बच्चों को तो पढ़ाई का कुछ पढ़ा नहीं है, आ भी जाती तो भी शायद तुम इतना इंजॉय नहीं करते, बिकॉज जो स्ट्रेस होता वो तुम्हें इंजॉय नहीं करने देता. बट सी द ग्रेस. कौन आया आज मेरे पास? आयुष कामदार. क्योंकि इतने अलग अलग एग्जाम्पल दिए ना, तो एक इस नमूने का भी सुनो. ये भाई मुझे आके कहते हैं एग्जाम थी, छोड़कर आ गया. देखो इतनों की एग्जाम पोस्टपोन हुई, लेकिन समटाइम्स ही टेस्ट यू इन अ डिफरेंट वे. नहीं पोस्टपोन हुई इसकी. ये तो नहीं बताया इसने मेरे को. इसने, अच्छा तुम्हारे पास आया होगा. इसने मुझे जहां तक की स्टोरी बताई वो ये थी, बेन प्रभु एग्जाम थी, छोड़ के आ गया. मैंने कहा अब क्या होगा? कहते जब होगा तब देखा जाएगा. दे आर रेडी टू स्किप अ ईयर, दे आर रेडी टू स्किप अ सेमेस्टर. हाउ नाइस,
हाउ नाइस फ्रॉम माई एंगल, लेकिन तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स सब तुम्हें कोस रहे होंगे कहीं ना कहीं. सो ग्रेस हैज इनफाइनाइट वे ऑफ हैंडलिंग योर सिचुएशन. यू डोंट जज योर सिचुएशन कि हमें छुट्टी मिल ही नहीं सकती. मिलती है, पूरा ट्रस्ट करो हमारा वो नहीं देने वाला छुट्टी. मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देगा, ये ट्रस्ट तुम्हारा है ना. लेकिन वहीं पर जिसके तरफ तुमने सरेंडर किया है उसकी इनफाइनाइट एबिलिटी, इनफाइनाइट ग्रेस में भी भरोसा रखो कि किसी भी तरह से उसकी खोपड़ी बदलाएगा. यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज. तुम्हें अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी. हो सकता है तुम्हारे सीनियर की खोपड़ी ना बदले, तो जॉब को क्विट करने की भी हिम्मत रखना. यहाँ तक कि बिकॉज ही विल समटाइम टेस्ट यू. अभी तो वो पोस्टपोन कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, लेकिन कभी हो सकता है ना करे. ही जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट यू. अभी तो छोटी छोटी टॉफिस देके तुम्हें ललचा रहा है, ग्रेस हूँ, ग्रेस हूँ, ग्रेस हूँ. लेकिन किसी दिन ऐसी जबरी परीक्षा, जबरी मीन्स यू अंडरस्टैंड, ऐसी फाड़ू परीक्षा, तुम्हारी भाषा में ऐसी फाड़ू परीक्षा लेगा then be ready for it. Okay? Develop your heart, expand your heart. और ये कैसे होता है तुम्हारे heart की expansion? हनुमान जी को देखा है? यूं. और अंदर कौन है? भगवान राम. क्या कह रहे हैं? तुम्हारा heart expand कब होता है? जब उसके अंदर कोई राम विराजता हो, उसके अंदर कोई राम रहता हो. जब तुम्हारे heart के अंदर कोई higher रहते हो, तभी तुम्हारा heart expand हो सकता है, खुल सकता है. ये सब तस्वीरें खाली दिखाने के लिए नहीं है. हनुमान के असली हार्ट के अंदर होंगे क्या राम? होते तो कभी संभव नहीं था वो हनुमान जिंदा रहता. लेकिन ये तस्वीरें क्यों दिखाई है? दे आर गिविंग यू द आंसर्स टू मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ. वो यही बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें हार्ट को एक्सपैंड करना है, स्प्रेड करना है, तो उसके अंदर किसी राम को बिठाओ, किसी हायर को बिठाओ, देन ओनली योर हार्ट कैन बी एक्सपैंडेड. So how to develop your intellectual sheath? Number one, create heart by doing selfless actions and begin it from your home. Because charity, religion, spirituality, everything should begin from your home. तुम्हारे घर से शुरू होना चाहिए. जो लोग घर पे तो चिड़े चिड़े घूमते हैं और यहाँ पर बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर घूमते हैं, वो लोग कभी कुछ हायर अचीव नहीं कर सकते. थोड़ा बहुत फन वन ले लिया बात अलग है, कुछ हायर अचीवमेंट दे कैन नेवर मेक. पहला क्रिएट हार्ट, दूसरा डेवलप हार्ट बाय सरेंडरिंग टुवर्ड्स हायर, तीसरा इवॉल्व हार्ट. इवॉल्व एक्सपैंड करने के बाद नेक्स्ट इज इवॉल्व. उसको हायर के एक्सपीरियंसेस से जोड़ो. वो हायर के एक्सपीरियंसेस से जोड़ने के लिए मेडिटेशन चाहिए, ये चैंटिंग चाहिए, ये सत्संग्स चाहिए. वरना ये लर्निंग देगा कौन तुम्हें? मेडिटेशन में भी तुम आँख बंद करके बैठ जाओगे, लेकिन इतनी गहन समझ कौन देगा तुम्हें? मेडिटेशन, भक्ति, डांस, डांस नॉट तुम्हारा डिस्को एंड ब्रेक, डांस इन द फेवर ऑफ योर डिवाइन, इन द फेवर ऑफ योर हायर. जब तुम नाच लेते हो, खुश हो जाते हो, ये जो तुम तालियां भी बजाते हो ना, ये जो तुम सत्संग में बार बार, जब तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जब तुम खुश हो जाते हो, तालियां बजाते हो, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन. क्योंकि कोई ताली तभी बजाता है जब उसे कुछ अंदर एक्सपीरियंस हुआ. कोई ना कोई अंदर एक्सपीरियंस हुआ तभी दैट जॉय इज फोर्सिंग यू टू क्लैप, इजंट इट? तो द फीलिंग ऑफ जॉय इज द फीलिंग ऑफ इवोल्यूशन. सो बाय इवॉल्विंग योर हार्ट यू कैन क्रिएट, यू कैन डेवलप योर, क्रिएट नहीं, यू कैन डेवलप योर इंटेलेक्चुअल शीथ. और ये हार्ट कैसे इवॉल्व हो रहा है? मेडिटेशन, चैंटिंग, भक्ति, डांस विद डिवाइन, वेरी नाइस. डिवाइन के साथ डांस करना, सत्संग, एंड जस्ट टू बी इन दीज सेशंस. डोंट यू फील? खाली इन सेशंस में, यहाँ आसपास होने में भी हम लोग एक डिफरेंट टाइप का इवोल्यूशन फील कर रहे हैं. कितना समझा, कितना सोचा, मालूम नहीं कितना प्रैक्टिस कर पाएंगे, बट वी फील एलिवेटेड. दिस फीलिंग ऑफ एलिवेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ हार्ट. जैसे जैसे ये तीन घटनाएं घटती है, कोई क्रम नहीं है, कोई भी पहले आ सकती है, कोई भी बाद में. थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग. कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में. ये कंटिन्यूस जर्नी पर तुम्हारे ये सब एलिमेंट्स को अपग्रेड करना ही है हमें. लेकिन जैसे जैसे ये तीनों फैकल्टीज अपग्रेड होती है, पहला क्रिएट, बनाओ, ये वाला बना हुआ है, यहाँ बनाना होगा. वो कैसे बनता है?
सेल्फलेस एक्शन, दूसरा उसे एक्सपैंड करो, कैसे होता है, बाय हनुमान के हार्ट में राम, यानी अंदर किसी राम को बिठा कर, और तीसरा इवॉल्व करो, कैसे, थ्रू मेडिटेशन, चैंटिंग, सत्संग, इम्पॉर्टेंट सत्संग, दीज टाइप ऑफ सत्संग्स। खाली सत्संग में वो बोल रहा है, मैं कई बार बोलती हूँ ना, वक्ता बकता है और श्रोता सोता है, ये काम होता है सत्संगों में ज़्यादातर, बोलने वाला वक्ता ओरेटर, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग स्पीकिंग, बकता रहे, और जो श्रोता होता है वो आराम से सो रहा होता है। तो ये सोने बकने वाली बात नहीं कर रही, जहाँ तुम टोटली इन्वॉल्व हो, और जब तुम टोटली इन्वॉल्व होते हो तभी तुम इवॉल्व हो पाते हो। वेन यू आर टोटली इन्वॉल्व देन ओनली यू हैव अ चांस टू इवॉल्व। जैसे ये होगा तुम्हारी इंटेलेक्चुअल शीथ अपने आप डेवलप होगी, इंटेलेक्चुअल शीथ डेवलप होगी तो लाइफ के जजमेंट्स तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगे। जो जजमेंट तुम लोगों को लेने इतने टफ लगते हैं, हमारे लिए वो टफ होंगे कि आसान होंगे? क्या वेरी ईजी मस्ट बी पीनट्स फॉर मी, इजंट इट? जो तुम्हारे लिए इतने टफ है वो मेरे लिए इतने आसान कैसे हैं? व्हाई? बिकॉज माई इंटेलेक्चुअल शीथ इज डेवलप। और इंटेलेक्चुअल शीथ इज डेवलप का मतलब क्या है? वो एरिया पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए जो किया था हमने, वो जो एरिया है वो हमारा एक्सपैंड हो गया है। आज के सत्संग के अंदर प्रॉमिस के साथ बस इतना ही।